हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी टिप्स बाय मी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सूखी खांसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए हम क्या घरेलू नुस्खे कर सकते हैं या इस खांसी को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। जब सूखी खांसी होती है तो कई बार इतना खांसने की वजह से हमारे पेट में भी दर्द होने लगता है या फिर वॉमिटिंग की सी भी फीलिंग होने लगती है। बहुत ही आसान से मैं आपको घरेलू नुस्खे बताऊंगी जिसको करने से आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको खाना है पका हुआ आम। आम आपको पके हुए ही लेने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कच्चा आम जिसको हम अमिया भी बोलते हैं वो आपको नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, आपको पका हुआ आम लेना है जिसको आपको गर्म राख के अंदर दबा देना है। राख गर्म होनी चाहिए और उसके अंदर आप आम को दबा दें और जब आम पूरी तरह से भुन जाए उसके बाद इसे ठंडा करें और फिर इस आम को आप खाएं। इससे आपकी सूखी खांसी में बहुत राहत पड़ेगी और वो रुक जाएगी। और आप क्या कर सकते हैं, आप सेब खा सकते हैं। सेब भी आपको खट्टे वाले सेब नहीं खाने हैं, जो पके हुए मीठे सेब होते हैं आपको वो खाने हैं। इसी के साथ साथ आप सेब के ऊपर बारीक पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर और जो मिश्री आती है उसको भी बारीक पीस लें और उसका पाउडर डाल के खाएं, तो आपको जो लगातार खांसी हो रही है वो 101% रुक जाएगी। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, आपको पका हुआ सेब लेना है जिसके ऊपर आपको काली मिर्च का पाउडर और मिश्री पिसी हुई डालनी है और फिर वो आपको खाना है। इससे भी आपको सूखी खांसी में बहुत हद तक राहत मिलेगी और खांसी रुक जाएगी। और आप क्या खा सकते हैं, आप पका हुआ अमरूद खा सकते हैं। अमरूद खाने से भी खांसी में काफ़ी हद तक राहत पड़ेगी। अमरूद भी पके हुए होने चाहिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपको लौकी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। आप या तो कच्ची लौकी खा सकते हो तो कच्ची लौकी खाएं, ये नहीं तो लौकी का आप रस पिए, इससे भी सूखी खांसी में राहत पड़ेगी। और आप क्या कर सकते हैं, आपको लेना है गुड़ और सरसों का तेल, दोनों को ही आपको बराबर मात्रा में लेना है। सपोज आप 10 ग्राम अगर गुड़ लेते हैं तो 10 ग्राम ही आपको सरसों का तेल लेना है। दोनों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको चाटें, तो इससे भी सूखी खांसी में बहुत आराम पड़ेगा। इसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं काली मिर्च और मिश्री। 2-3 काली मिर्च ले लें और 2-3 मिश्री ले लें, दोनों को ही आप एक साथ मुँह में चूसें, तो इससे जो आपको बार बार खांसी उठती है, ये जो खांसी का धसका होता है उसमें आपको बहुत राहत पड़ेगी। और भी आप नुस्खे कर सकते हैं काली मिर्च और मिश्री के साथ, दोनों को ही आप बराबर मात्रा में पीस लें। अगर आपने एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है तो एक ही चम्मच आप मिश्री ले लें और इसमें आवश्यकता अनुसार आपको देसी घी मिलाना है। देसी घी आपको उतना ही मिलाना है जितना आप इनकी गोलियाँ बना सकें। काली मिर्च और मिश्री के पाउडर में देसी घी मिला के इसकी गोलियाँ बना लें और इन गोलियों को भी चूसने से आपको बहुत लाभ होगा। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप पिसी हुई काली मिर्च में शहद मिलाकर इसको भी चाट सकते हैं, तो इससे भी खांसी में आपको बहुत राहत पड़ेगी। ये बहुत ही आसान से घरेलू नुस्खे मैंने आपको बताए हैं, इसे आप करें तो इससे ज़रूर आपकी खांसी में आराम पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।